फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एडवांस नोटिस फॉर डीओवी, डीओवी इज डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। तो समटाइम क्या होता है कि जब आप अपना डीओवी एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो उस टाइम पे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, बट आफ्टर 5 to 7 days और आफ्टर फ्यू डेज आपको एक एडवांस नोटिस आ जाता है आपके मेल पर। सो यहाँ पे जो कॉमन रीजन देखे गए एडवांस नोटिस के, वो कुछ रहते हैं कि जैसे कि अगर आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी टैली से डाउनलोडेड समरी अपनी एप्लीकेशन के साथ मेंशन नहीं की है तो वो आपका एक रीजन हो सकता है। ऑल ऑफ दिस, आपका एक ये रीजन भी हो सकता है कि आप अगर प्रोविजनल के बेसिस पे अपना एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हो तो आपकी जो प्रोविजनल डिग्री है वो इशूड बाय यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इशूड बाय कॉलेज आपकी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपके एडवांस नोटिस का। ऑल्सो अगर आपके नेम में डिफरेंस है, लाइक अगर आपके पासपोर्ट में एक डिफरेंट नेम है एंड आपकी जो डिग्रीज है और आपके जो अकेडमिक्स उनमें एक डिफरेंट नेम है, तो यहाँ पर वो भी एक रीजन हो सकता है आपके एडवांस नोटिस का। जो एडवांस नोटिस रहता है उसका जो आपको टाइम स्पेन दिया जाता है वो आपको विद इन 30 days अपना एडवांस नोटिस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन रहता है वो आपको 30 days में सबमिट करना होता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं application02@meridian.org। ऑल्सो आप हमारी कोई भी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री काउंसलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।